Veer, you're looking very handsome. Love you. What? Okay. You will say okay. Veer. Veer. The dude is going. गुड मॉर्निंग एवरी वन. मैंने सोचा आज आप लोगों से एकदम फ्रेश होके मिलूँ, बिकॉज आज मुझे एक शादी में भी जाना है तो मुझे आज हेयर वॉश करना ही था. बट कोई नहीं, आज सब काम वाम तो हो गया है, खाना वाना बन गया है, तो बस अब निमेश का टिफ़िन पैक करूँगी और उसको दे दूँगी. एंड आज वीर भी उठ गया है इतफाक से, सो आई हैव गिवन हिम फूड ऑल्सो. वो अपना खाना और अपने बुक्स के साथ है. आई हैव टू गो एंड चेक कि अभी उसका खाना ख़त्म हुआ कि नहीं. एंड बाय द वे, आप लोग को एक बात बताना था कि यू नो आई वॉज अंडर दिस कि मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, बट आई एम सो हैप्पी. आज मेरा 800 ग्राम्स मैंने कम देखा वेइंग स्केल में, एंड आई एम फीलिंग सो गुड. मतलब ऑलरेडी हैप्पी मूड आ गया, तो बस दैट्स इट. एंड अब जाके मैं मेरा ABC जूस लूँगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट एकदम प्रॉपरली टूडे, कि जैसे करके उन लोग वेट लेने बोलते हैं, हैव डन इट दैट वे. सो वेरी हैप्पी. रोज 9 बजे तक तो वीर का काम या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाकी रहता है. आज 9 बज रहा है और सब कुछ हो गया. वीर का भी काम हो गया है, घर का भी काम हो गया है. बस आज वीर के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, बहुत स्टडी प्ले सब कुछ होगा. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्टूडियस एंड सिंसियर. मैं आपको दिखाऊँ वो क्या कर रहा है. आज मैं मेरे ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ ये स्मूदी, जिसमें सारे सीड्स है विद मिल्क. एंड स्वीटनर के लिए मैंने डाला है इसमें 2 खजूर डेट्स. एंड ये हो जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी मेरा कोलाजन पाउडर. और यहाँ पे दूध में मैंने ऑलरेडी शिया सीड मिक्स करके रखा था थोड़ा. फिर मैं डालूंगी मेरा 1 स्पून कोलाजन बिल्डर. तो आज मैं ले रही हूँ ये ब्रेकफास्ट में ये हेल्दी ड्रिंक. ये मैंने बनाया है फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड और 4 आलमंड्स के साथ जो सोक करके रखा था और उसको पील करके इसमें डाला है. 2 डेट्स डाले हैं, दूध है. एंड इसमें मैंने डाला है मेरा कोलाजन पाउडर. एंड ऑब्वियसली आई हैव डन दिस विद मिल्क. ये इससे बना है, दिस इज़ वेरी हेल्दी. तो अब मैं ये आज ब्रेकफास्ट के लिए ये हेल्दी वाला ड्रिंक लूँगी. इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. आज मेरा ये है लंच सीन. आज मैंने ना खिचड़ी बना दिया था, बिकॉज आज हम लोग को शादी में जाना था, तो आई थॉट जब शादी में जाना ही है मैं फुल मील नहीं बनाती, सो आई जस्ट मेड खिचड़ी. तो अभी सुबह का काम हो जाता है, एंड देन यू नो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 जाना है, बिकॉज निमेश के कज़न का शादी है. सो दैट इज़ व्हाई नाउ हैविंग माई लंच. उसके बाद 1-2 मेरा क्लाइंट कॉल है, एंड देन माई वर्कआउट. एंड बाय द वे, मेरे को आप लोग को एक चीज़ बताना था. आज ना मेरा हेयर यूजुअली जब मैं वॉश करती हूँ ना तो इतना सिल्की और शाइनी नहीं लगता. नेक्स्ट डे उसका वो लुक एंड फील आता है, बट टुडे आई यूज्ड अ डिफरेंट शैम्पू. मैंने लॉरियल का पर्पल कलर वाला शैम्पू यूज़ किया, एंड माई हेयर फील सो गुड. दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. बहुत ही अच्छा है ये वाला. ये एक्चुअली मेरे को ट्रायल पैक आया था छोटा वाला, सो आई यूज्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल सेट फॉर द वर्कआउट टूडे. आज वर्कआउट का दिन है. अच्छा, एक्साइटिंग है, क्योंकि अभी मैं 4 दिन के बाद वर्कआउट करने वाली हूँ, बिकॉज मंडे ट्यूजडे आपको मैंने बताया सर क्लास नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द रेन एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन चेन्नई. एंड ऑब्वियसली सैटरडे संडे ऑफ होता है. आज देखते हैं वर्कआउट में सर भी क्या कराते हैं. बहुत हेक्टिक होगा कि क्या होगा, लेट्स सी. बस दैट्स इट, डन विथ माई वर्कआउट. आज उतना इंटेंस नहीं था, लाइट ही था, बिकॉज 4 दिन के बाद किया करके. आज अभी मैं लूँगी प्रोटीन ड्रिंक मेरा, लाइक प्रोटीन प्लांट प्रोटीन पाउडर आई एम गोइंग टू टेक.
तो वो लेने के बाद टुडे आई एम गोइंग टू रेस्ट ओनली, बिकॉज अभी मुझे पहले तो मेरे क्लोथ सॉर्ट आउट करने की, आज मैं पहनने क्या वाली हूँ, वेदर आई एम वेयरिंग अ साड़ी और वेदर आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, पहले वो सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। आई एम हैविंग माई प्रोटीन पाउडर, दिस इज प्लांट बेस्ड प्रोटीन गाइज, और इसी के साथ मैं लूँगी 4 एलमंड्स जो मैं सोक करके ही रखती हूँ, मैं उसको पील करके लेने लगी उसे। आज निमेश ने एंड मोमेंट पे धोखा दिया है, उसने बोला उसको आने को और भी टाइम लगेगा और हमको जाना था शादी में, तो वीर आने के बाद तो मैं निकल रही हूँ, वो आएगा तब वो देखेगा वो कितने बजे आ रहा है एंड वॉट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो। एज ऑफ नाउ तो वीर आएगा, मैं अभी बस मेरा ड्रेस निकाल के आई एम गेटिंग रेडी, और तब तक वीर भी आ जाएगा, और रेडी होने के बाद आप लोग को मेरा लुक दिखाती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ अभी शादी में जाने के लिए, इयररिंग्स बैंगल्स सब पहन लिए, एंड मुझे आपको बताना था ये 2 बिंदी का पैकेट था जिसमें से वीर ने मुझे बताया कौन से साइज का मैं बिंदी पहनूँ। वो बहुत फैसिनेट होता है जब मैं रेडी होती हूँ, वो मुझे से कलर्स बोलता है कि मैं कौन से कलर का क्या पहनूँ एंड ऑल, तो अभी भी उसने ही मुझे सजेस्ट किया कि बिंदी ये कलर का एंड ऑल, तो अच्छा लगता है। बस अब उसको ही रेडी करना है और मैं निकल रही हूँ, मैं अभी निमेश के लिए नहीं रुक रही हूँ, हालांकि वो निकल चुका है बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम, वो बाद में आ जाएगा, आई विल जस्ट मेक अ मूव राइट नाउ। ये वीर रेडी हो गया है, उसको वाइट एंड ब्लू पहनाया, आज मुझे करना था तो आई डोंट नो दिस बॉयज का फैशन, हमेशा निमेश करता है, आज मैंने किया। वीर शो, वीर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, लव यू, व्हाट ओके इट्स ओके इफ आई से लव यू व्हाट यू से। हमने डिसाइड किया आज रिक्शा में जाने के लिए और उसके बाद हम वीर के कजिन को भी पिकअप करेंगे एंड देन वहां से हम जाएंगे शादी में। तो हम लोग शादी में पहुंच गए हैं और वीर अपने कजिन के साथ है, वी आर एट द ऑलरेडी एट द वेन्यू। ये है वीर का कजिन दिव्यांश, चल गेट अप लेट्स गो इनसाइड। टुमारो हम लोग तीनों भी एक्चुअली बहुत ही स्लीपी और टायर्ड है, अभी आप लोगों से कल मिलूंगी, गुड नाइट, सी यू।